तो जय श्री राम भाई, क्या हाल चाल? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चल रहे अपन जिम। सो गया था थोड़ा भाई, आँख लग गई थी और उठना बहुत मुश्किल हो रहा था। 9 बज चुके हैं, 8 बजे आँख लग गई थी और बड़ा दिमाग खराब हो गया था उठते उठते। मतलब इतनी जोर की नींद आ रही थी ना कि रात को नींद नहीं आ रही, रात को मजबूरी है सोने नहीं देते, क्या करूँ। तो उठ गए हैं मजबूरी को हाथ जोड़ के। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि क्रिएटिन दे रहा हूँ, तो उसके क्रिएटिन की लोडिंग चलती है हफ्ते भर की, क्योंकि बहुत टाइम पहले दिया था क्रिएटिन, अब दोबारा ऐड कर रहा हूँ। तो जिस भाई को जाननी हो क्रिएटिन की लोडिंग कैसे होती है, जो मेरे से पूछ भी रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो एंड तक का वेट करना पड़ेगा। शुरू में बताऊंगा नहीं, बाकी दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। क्रिएटिन का एक मेन मेन सोर्स वो है ग्लूकोन डी। ठीक है, ग्लूकोन डी में क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब मेन है। एक सेकेंड, कैमरा कैसे रखूँ, दिखाना था ब्रांड तो दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, क्रिएटिन को हमेशा 50 ग्राम ग्लूकोज के साथ लेते हैं। ठीक है, अब लोडिंग कर रहा हूँ तो भाई मेरे को 3 टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 टाइम कैसे कैसे लेना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊँगा, जिम में बताऊँगा। ठीक है, वरना तुम सारे अभी देख के भग जाओगे, तुम मेरे को फिर जानोगे नहीं, ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे ना कुछ करोगे, इसलिए मैं एंड में बताऊँगा। ठीक है, और कुछ मानते हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सही है ना, सच कह रहे हो ना, गलत थोड़ी कह रहा हूँ, बताओ कमेंट में। ठीक है, 50 ग्राम ग्लूकोज के साथ लेते हैं, इतना पहले मैं बता रहा हूँ, अगर लोडिंग करनी है अच्छी। ठीक है, क्रिएटिन का असर देखना। तो बाकी एक सेकंड खोल लूँ। तो भाई बना लिए, 50 ग्राम अपने हिसाब से नाप लेना। ठीक है, अपने हिसाब से नाप लेना, या जिस पे हो तो 50 ग्राम ग्लूकोज डाल लेना। और ये मैं वर्कआउट से पहले ले रहा हूँ, वर्कआउट के बाद भी लूँगा एक टाइम। और एक टाइम और कैसे लेना वो मैं बता दूँगा, कब तक लेना है अभी एंड में बताऊँगा। बाकी इसको पी के इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लेना, और बाकी जो पूरे दिन का वाटर इनटेक रहता है वो ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें। अपना जैसे अभी 2 लीटर पी रहे हो तो धीरे धीरे डबल करना पड़ेगा, डबल करोगे फिर थोड़ा डबल से ज़्यादा करोगे तो ही जाके असर दिखेंगे। मेरे को तो दिखने लग गया भाई 2 दिन में सर, आज दूसरा दिन है। ये मैं पी रहा हूँ 3, 4, 4 टाइम पी रहा हूँ, 5वीं टाइम 2 दिन में। बाकी दिखा तो, अब जिम पहुँच तो वर्कआउट लगाते हैं तगड़ा सा। सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। चलो we
भाई घर आ गया था और मेरे को जिम में वीडियो शूट करने टाइम नहीं मिला था क्योंकि और मेरे को क्राइटेरियन का ही बताना था क्योंकि मैंने बोला था एंड में बताऊंगा। वर्कआउट कैसा लगा वो बता देना कमेंट में। और रिंग लाइट लगा लिया, थोड़ा भाई कोहरा लगने लग जाऊंगा ना, तो बाकी भाई काला भी नहीं हूँ ठीक है, सांवला हूँ। जो लोग बोलते हैं ना, जो ये मेरे दोस्त बोलते हैं कहा देखिए काला है काला है, साले चलते हो तुम मेरे से ठीक है। और क्रिएटिन की भाई ऐसी है, क्रिएटिन की होती है पहले लोडिंग, सात दिन की उसकी लोडिंग होती है ठीक है। उसको तीन टाइम ले लो ठीक है, तीन से चार टाइम दिया जाता है, तीन टाइम ले लो बहुत है। सुबह खाली पेट 50 ग्राम ग्लूकोज के साथ लेना है, लेकिन ठीक है 50 ग्राम ग्लूकोज के साथ लेना है। और फिर एक प्री वर्कआउट में ग्लूकोज के साथ, अगर जो प्री वर्कआउट वगैरह लेते हो तो उसके साथ लेना, लेकिन ग्लूकोज मस्ट है, क्रिएटिन के साथ ग्लूकोज मस्ट है। तीन टाइम लोगे ना तो 150 ग्राम ग्लूकोज जाएगा दिन का। और बाकी अपना वाटर इनटेक पूरा रखना, 2 लीटर पीते हो तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना, 4 लीटर करना, 5 लीटर करना, जितना पी सकते हो उतना पीना मैक्सिमम वाटर ठीक है। और फिर उसको पोस्ट वर्कआउट में लेना, प्रोटीन पीते हो प्रोटीन के साथ पी लेना, नहीं तो ग्लूकोज के साथ पी लेना अगर जिसका भाई का बजट नहीं है। बाकी यही होती है लोडिंग, 7 दिन तक इसकी लोडिंग होती है। फिर धीरे धीरे फिर प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट कर देना 1 हफ्ता, फिर प्री वर्कआउट, बस प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट कर लेना अगले हफ्ते। ऐसे ऐसे लोडिंग होती है फिर ही रिजल्ट दिखते हैं। अगर तुम शुरू में ही 3-3 ग्राम लोगे तो रिजल्ट कम दिखेंगे ठीक है, इस हिसाब से लेना। और बाकी कमेंट में आके बता देना कि हाँ भाई रिजल्ट आए हैं हफ्ते भर बाद। ब्रांड नेम मैं सजेस्ट कर नहीं सकता, जो मेरे को कोई प्रमोशन देगा तब करूँगा सजेस्ट, अभी क्यों करूँ भाई, बेमतलब में करूँ जब। तो बस यही था, कमेंट वगैरह कर देना अगर किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए हो ठीक है। डाइट वगैरह जो लोग पूछते भाई, वो डे 1 वाला मेरे ब्लॉग देख लेना, उसमें मैंने पूरे दिन का डाइट कर रखा है। बाकी मेरे को अभी फिर दोबारा भी एक डालूंगा फुल डे ऑफ ईटिंग का, जल्दी करूँगा ठीक है, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए अच्छे गर्म करते रहो, अच्छा खाओ और बॉडी बनाओ। और भाई सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, अच्छा लग रहा है ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए अच्छा खाओ भाई, बस अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, बस आगे बढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी में भाई, बस माँ बाप के सपने पूरे करो बस, और कुछ नहीं चाहिए ठीक है। चलो।